हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मेरा नाम चंदन है, मैं आपके सामने एक नए ट्रेलर के साथ आया हूँ। आपको बता दूँ, जो ट्रेलर पर हम रिएक्ट करने वाले हैं वो एक मराठी मूवी का है। मूवी का नाम है मावली। जी हाँ दोस्तों, ये एक मराठी मूवी है और इसके जो लीडिंग एक्टर हैं वो रितेश जी हैं और एक्ट्रेस हैं सैमी खेर जी। दोस्तों बता दें, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो आदित्य सरपोतदार हैं और ये जो मूवी है, मूवी के बारे में मुझे अभी कुछ खास नॉलेज नहीं है। सो हम इसका ट्रेलर देखेंगे, उसके बाद रिएक्ट करेंगे। तो हम ट्रेलर स्टार्ट करते हैं। आपलं नाव ऐकलं नाही असं एक बी गाव नाही। हनल्या वगर सोडला तर मावली आपला नाव नाही। सरका पुलिस जोर वर्दीत आहे तो वर ठीक आहे, वर्दी नसली आपल्या सरका टेरर कोण नाही। सो दोस्तों, ये जो मूवी है 14 दिसंबर को रिलीज होने वाली और रितेश देशमुख उसमें मस्टास के साथ आए हैं और काफ़ी नए लुक में है और एक्शन से भरे हुए लुक में है। दोस्तों इस मूवी में दोस्तों रितेश देशमुख जो है वो एक कॉप का रोल कर रहे हैं। और आपको पता है मावली, आपको पता है मराठी में भगवान विट्ठल जी को कहा जाता है। तो हम मानते हैं कि ईश्वर सब जगह नहीं होता है, लेकिन वो अपने बंदों को भेजता है या फिर उनको भेजता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो मुझे लगता है कि स्टोरी भी इसी वे में है। आपको बता दें, इससे पहले मैं फरजान मूवी पर मैंने रिएक्ट किया था, जिसमें आपको बता दें कि मैंने कहा था 60 जो वॉरियर्स हैं, मराठा वॉरियर्स, उन्होंने 1000 मुगल सैनिकों से फाइट की थी। लेकिन कुछ बोलते हैं रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला 60 जो मराठा वॉरियर्स हैं उन्होंने 2500 मुगलों से फाइट की थी। सो इस चीज़ को मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। और आपको बता दूँ कि दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी एक्शन से भरी मूवी है। आपको बता दें, इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे जो है बचपन से जो मराठी मूवी में काफ़ी इंटरेस्ट था उनको देखने में, और ख़ासकर हमारे जो एक लेजेंड एक्टर थे लक्ष्य जी, उनकी मूवी मुझे काफ़ी पसंद थी और मैं काफ़ी मूवीज़ मैंने देखी है मराठी की। आपको बता दें, उसमें से मुझे सपाटेला, जिसमें बोलते बावले का खेल था और डॉल का खेल था दोस्तों, उसमें लक्ष्य जी के एक्टिंग माइंड ब्लोइंग थे। मराठी मूवीज़ में से काफ़ी अच्छी है और मूवीज़ में काफ़ी चेंज हो रहे हैं और आपको बता दें कि वो नए तरीके से मूवीज़ को ला रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि केवल मराठी लोगों के लिए ही मूवी है, और इंडिया में हर एक इंसान को अच्छी मूवीज़ होती हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे देखना चाहिए। और आपको बताएं, हमारा भारत जो है विविधताओं का देश है, तो इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए दोस्तों। मुझे लगता है कि यही भारत की खूबी है। सो दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, जय हिंद।